हेलो फ्रेंड्स, सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्मोक टेस्टिंग के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में कि स्मोक टेस्टिंग क्या होता है, स्मोक टेस्टिंग कब परफॉर्म किया जाता है, स्मोक टेस्टिंग क्यों परफॉर्म किया जाता है, स्मोक टेस्टिंग कब परफॉर्म किया जाता है, कैसे किया जाता है, कौन करता है और इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, क्या इसके भी टेस्ट केस लिखे जाते हैं, क्या इसको ऑटोमेशन के ज़रिए भी किया जाता है। तो ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारियाँ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि स्मोक टेस्ट क्या होता है। तो जैसा कि आप एक आईटी इंडस्ट्री से हो या सॉफ्टवेयर के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो या कोई फ्रेशर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है या डेवलपमेंट टीम अपना सॉफ्टवेयर तैयार करती है, अपना बिल्ड तैयार करती है, तो उस पर कई सारी टेस्टिंग परफॉर्म करती है। ठीक है, कई सारी उस पर टेस्टिंग चलती है, लाइक सैनिटी, स्मोक, फंक्शनल रिग्रेशन, यूनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, एट्सेट्रा, एडहॉक, अल्फा, बीटा, बहुत सारे टेस्टिंग हैं, मंकी टेस्टिंग, ठीक है, गोरिल्ला टेस्टिंग, बहुत सारे टेस्टिंग्स होते हैं उस पर। तो ये टेस्टिंग इसीलिए कराते हैं ताकि सॉफ्टवेयर की जो भी बिल्ड है, सॉफ्टवेयर का जो भी बिल्ड है, उसको बिजनेस से मिलाया जाए कि क्या वो बिजनेस को कवर कर रहा है कि नहीं। ऐसा कोई फंक्शनैलिटी तो नहीं है जो छूट रहा है। हम टेस्टिंग इसीलिए करते हैं या किसी चीज़ का रिव्यू इसीलिए करते हैं कि वो चीज़ सही है कि नहीं। ठीक है, ओवरऑल जो मेरा लॉजिकल टर्म है, टेस्टिंग का मतलब ही होता है किसी चीज़ को चेक करना, जांचना, वेरीफाई करना, इवैल्यूएट करना कि वो चीज़ कितना सही है मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले डेफिनेशन से मैं शुरू करूँगा, लेकिन उससे पहले जो प्रीरिक्विजिट है, मैं आपको ये बताऊंगा कि डेफिनेशन से पहले कि इसका टाइमलाइन कहाँ है, ये टेस्टिंग किस टाइमलाइन पे परफॉर्म होता है, डेवलपमेंट टीम से होता है या टेस्टिंग टीम से होता है या यूआईटी टीम से होता है या इसकी अलग कोई लीड है, अलग कोई टीम करती है। ठीक है, तो हम इसका टाइमलाइन पहले देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि स्मोक टेस्ट कहाँ पर परफॉर्म होता है। ठीक है, ये हमारा डेवलपमेंट टीम है। ठीक है, जब ये कोई सॉफ्टवेयर तैयार करके तैयार करती है, तो इस पर कई सारे टीएल टाइमलाइन, ठीक है, डेवलपमेंट टीम कई सारे टेस्टिंग परफॉर्म करती है। तो सबसे पहला जो टेस्टिंग होता है वो होता है यूटी, यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद जब यूनिट टेस्टिंग पास होता है, तो कई सारे यूनिट टेस्टिंग को इंटीग्रेट किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म होता है। ठीक है, जब यूनिट टेस्ट और इंटीग्रेशन टेस्ट पास हो जाते हैं, तब इसको, इस बिल्ड को हमारा डेवलपमेंट टीम क्या करता है, यानी कोड को डिप्लॉय करता है, यानी आगे भेजता है फर्दर टेस्टिंग के लिए। ये आता है हमारा क्यूए के पास। अब क्यूए सबसे पहला जो टेस्टिंग करती है वो है हमारा स्मोक, उसके बाद स्टार्ट होता है फंक्शनल, यानी कि पता ये चला कि स्मोक टेस्ट जो है, स्मोक टेस्टिंग जो है फंक्शनल से पहले होता है और यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद होता है, यानी कि ये डेवलपमेंट का काम नहीं है। ठीक है, ये डेवलपमेंट टीम नहीं करती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन का अप्रोच हो सकता है कि शायद एकदम मिनिमल चांसेस है 5% या 4% की डेवलपमेंट टीम स्मोक टेस्ट पास करके आगे फर्दर टेस्ट के लिए भेजे, पर ये वैरी करता है। ठीक है, मोस्टली स्मोक टेस्ट क्या होता है, क्यूए टीम के साइड से ही होता है। तो ये हमारा एक टाइमलाइन है और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इस टाइमलाइन में स्मोक टेस्ट हमारा कहाँ पर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्मोक टेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो स्मोक टेस्ट का डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको फिर एक एग्जांपल दूंगा ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि स्मोक टेस्ट एक्चुअली क्या होता है। इंटरनेट पे बहुत सारे डेफिनेशन है, पर मुझे डेफिनेशन से मैटर नहीं करना है, मुझे आपको बताना है एक्चुअली स्मोक टेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम से बताने वाला हूँ कि स्मोक टेस्ट क्या होता है। चलिए, यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा है डेवलपमेंट टीम। ठीक है, डेवलपमेंट टीम जब कोई सॉफ्टवेयर के बिल्ड को तैयार करती है, यह हमारा एक एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन का नाम है बिल्ड वन, और ये एक सॉफ्टवेयर है, यह एक एप्लीकेशन है
और ये डेवलपमेंट टीम ने इस एप्लीकेशन को बना लिया है। तो जब इसने एप्लीकेशन को बना लिया है, तैयार कर लिया है, अब ये कोड डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है, मतलब इसका अगला स्टेज में जाने के लिए ये रेडी है। तो इसका मतलब डेवलपमेंट ने यूनिट टेस्टिंग कर लिया है और इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर लिया है, तब वो अगला फर्दर टेस्टिंग के लिए भेज रहा है। यहाँ पर हमारी क्यूए टीम है, जिसको बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस टीम, ठीक है। ये हमारा है क्यूए टीम। इस क्यूए टीम में कौन कौन से लोग होते हैं? एम्प्लॉय तो होता ही है, सीनियर कौन से होते हैं? लीड होते हैं, एसोसिएट टीम लीड होता है, और टीम लीड होता है, और कौन से लोग होते हैं? POC, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इतने सारे क्यूए टीम में होते हैं। जब क्यूए टीम इस एप्लीकेशन को रिसीव करती है, यानी कि फर्दर टेस्टिंग के लिए इस एप्लीकेशन को रिसीव करती है क्यूए टीम, के अब मुझे इस पे और सारे टेस्टिंग करनी है इस एप्लीकेशन पे, लाइक फंक्शनल करना है, रिग्रेशन करना है, सैनिटी करना है, स्मोक करना है, एडॉक करना है, अल्फा बीटा जो भी करना है, कुछ भी करना है। तो ये हमारा जो बिल्ड है, जब ये क्यूए टीम को रिसीव होगा, तो क्यूए टीम रिसीव करने से पहले एक टेस्टिंग करेगी, रिसीव करने से पहले, जो फर्स्ट टेस्टिंग पार्ट है, यानी जो पहला टेस्टिंग है रिसीव करने से, रिसीव करेगी, उसके बाद वो टेस्ट करेगी क्या डेवलपमेंट टीम ने जो हमें बिल्ड दिया है वो टेस्टिंग के लायक है या नहीं है। सपोज दैट मैंने कार बना के दे तो दिया है, पर क्या कार में चक्का लगा है, स्टेयरिंग है, गाड़ी स्टार्ट हो रही है? तो ये सब मेजर जो फंक्शनलिटी है, हॉर्न बज रहा है कि नहीं वो बाद में देखेंगे, ठीक है, गाड़ी के अंदर म्यूजिक बज रहा है कि नहीं वो बाद में देखेंगे, गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट है कि नहीं वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये देखेंगे क्या गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो पहला सबसे जो क्रिटिकल फंक्शनैलिटी, यानी क्रिटिकल जो चेकिंग है, सबसे मेजर जो चेक करना ये है कि हमारा गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो क्यूए टीम इस एप्लीकेशन को चेक करती है कि ये एप्लीकेशन जो मैंने रिसीव किया है डेवलपमेंट टीम से, तो क्या ये एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है कि नहीं, मतलब एप्लीकेशन पे टेस्टिंग कर सकते हैं कि नहीं। अगर ये एप्लीकेशन लॉन्च ही नहीं हुआ, खुला ही नहीं, चला ही नहीं, तो उस पर दूसरा तीसरा चौथा टेस्टिंग करने से क्या फ़ायदा। तो ऐसे केस में हमारा क्यूए टीम जो है स्मोक टेस्ट परफॉर्म करती है। किस लिए? वो चेक करना चाहती है कि ये एप्लीकेशन हमारा जो रिसीव हो रहा है डेवलपमेंट टीम से, अब उस पर और भी टेस्टिंग कर सकते हैं, स्टेबल है कि नहीं है, इसीलिए हम स्मोक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्यूए टीम की साइड से होता है। अब हम डिफिनेशन देखेंगे कि क्यूए टीम का की साइड से जो स्मोक टेस्ट चलता है उसका डिफिनेशन क्या होता है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो, या वीडियो को पीछे करके देख लेना। वैसे कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, काफ़ी आसान है, एक बार में ही समझ जाओगे कि स्मोक टेस्ट क्या होता है। जिन भाई को एक्सपीरियंस है वो तो अच्छी बात है, पर ये फ्रेशर के लिए है कि स्मोक टेस्ट क्या होता है। मुझे एक कमेंट आया था तो सो मैंने उसको बना डाला, ठीक है। तो अब मैं डिफिनेशन से शुरू करूँगा, ठीक है, SM, ठीक है, स्मोक टेस्टिंग, सॉरी ST, हाँ, स्मोक टेस्टिंग इज ए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। स्मोक टेस्टिंग क्या है? एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस है जो कि डैट डिटरमाइन तय करता है, क्या तय करता है, डिटरमाइन करता है द ठीक है डिप्लॉयड सॉफ्टवेयर, जो हमारा सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हुआ है डेवलपमेंट टीम से, इज स्टेबल और
नॉट। ये हमारा जो एक बिजनेस डिफिनेशन है स्मोक टेस्टिंग का। स्मोक टेस्टिंग के और भी डिफिनेशन हो सकते हैं, पर मेरा मकसद है आपको समझाना कि क्या स्मोक टेस्टिंग होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि स्मोक टेस्टिंग इज ए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है किसका? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का प्रोसेस है जो ये तय करता है कि डिप्लॉयड जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम से आया, जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट टीम ने क्यूए टीम को दिया, वो सॉफ्टवेयर स्टेबल है। डैट मीन्स कि सही है, उस पर टेस्टिंग परफॉर्म किया जा सकता है, और भी टेस्टिंग परफॉर्म किए जा सकते हैं, उसकी जो सबसे मेजर जो फंक्शनैलिटी वो सही से चल रहा है या नहीं, तो इसीलिए स्मोक टेस्ट हम करते हैं। तो ये हमारा जो डेफिनेशन है, ठीक है। इसके और भी क्या डेफिनेशन हो सकते हैं? स्मोक टेस्टिंग इज ए कन्फर्मेशन फॉर क्यूए टीम टू प्रोसेस विद द फर्दर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगा कि इसके दूसरे भी डेफिनेशन और क्या हो सकते हैं। पहला तो यह है, चेक करते हैं कि यह स्टेबल है कि नहीं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन किस लिए, किस बात के लिए? कन्फर्मेशन फॉर क्यूए टीम, जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम है, जिसका डायग्राम मैंने बनाया था। यहां मैं एक डायग्राम बनाता हूं क्यूए टीम का। ये टेस्टिंग परफॉर्म करती है क्यूए टीम। इसमें कौन कौन से लोग होते हैं? लीड होते हैं, एसोसिएट टीम लीड होता है, टीएल होते हैं, और पीओसी होता है, ठीक है। तो हमारा जो क्यूए टीम है उसके लिए कन्फर्मेशन फॉर क्यूए टीम किस बात का कन्फर्मेशन? टू प्रोसेस क्या? प्रोसेस विथ फर्दर टेस्टिंग या फर्दर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, विथ फर्दर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। ये हमारा वो जो स्मोक टेस्टिंग का जो मेन मकसद है, मेन जो चलाने का जो मेन, ठीक है, ये हमारा है स्मोक टेस्टिंग। जो दूसरा डेफिनेशन है, कन्फर्मेशन फॉर क्यूए टीम टू प्रोसेस विद फर्दर टेस्टिंग और नॉट, यानी कि ये चलाने का ये भी मकसद है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम से जो रिसीव हुआ है, क्या वो उस पे और टेस्टिंग परफॉर्म किए जा सकते हैं। पहला वो था कि स्टेबल है कि नहीं, दूसरा क्या हम उस पे टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों बातें सही हैं, ठीक है, दोनों डेफिनेशन भी सही है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप दोनों में से कोई एक भी बताना, वो सही होगा। ओके, स्मोक टेस्टिंग को और किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं विंड वेरिफिकेशन। विंड वेरिफिकेशन टी फॉर टेस्टिंग, ठीक है। और कौन सा नाम से जानते हैं? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस टी फॉर टेस्टिंग क्यों कहते हैं? कॉन्फिडेंस टेस्टिंग इसलिए कहते हैं कि लोग को कॉन्फिडेंस हो जाए, हाँ अब इस पर हम टेस्टिंग कर सकते हैं। और भी विंड वेरिफिकेशन टेस्टिंग क्यों कहते हैं? उसका जो बनावट है, सॉफ्टवेयर का जो बनावट है, वो पावरफुल है कि नहीं, मतलब लॉगिन हो रहा है कि नहीं, गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं, ठीक है, उसके जो व्हील्स हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, एट्सेट्रा। तो ये सब मेजर फंक्शनैलिटी है, और ऐसे केस में स्मोक टेस्ट चला के हम कंफर्म करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है अब तैयार है, इस पर क्यूए टीम टेस्टिंग परफॉर्म कर सकती है। अब आगे हम देखेंगे स्मोक टेस्टिंग का बेनिफिट क्या होता है। हम बेनिफिट देखेंगे कि इसको स्मोक टेस्ट करने से फ़ायदा क्या है। इससे पहले मैंने देख लिया कि स्मोक टेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है, अब देखेंगे स्मोक टेस्ट का फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, स्मोक टेस्टिंग का बेनिफिट क्या होता है, क्यों हम स्मोक टेस्टिंग चलाते हैं। अगर हम स्मोक टेस्टिंग चलाते हैं पहले स्टेज में, तो उससे फायदे क्या क्या होते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है, जो स्मोक टेस्ट चलाने का जो पहला पॉइंट है, प्रोडक्ट इज रेडी फॉर मोर टेस्टिंग या फर्दर टेस्टिंग या अनदर टेस्टिंग, ठीक है।
पहला हमारा जो पॉइंट है, प्रोडक्ट इज रेडी। जो मैंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम से लिया है, स्मोक टेस्ट चला के हम चेक करते हैं कि हाँ इस पे और भी टेस्टिंग कर सकते हैं कि नहीं। पहले ही मैंने बताया था, मैं कुछ पॉइंट्स भी लिखा रहा हूँ ताकि आप इसको नोट कर लो और अच्छे से याद भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर सीनियर होगे तो ये सब पॉइंट्स आप याद रख सकते हो, जिससे आपकी स्केलेबिलिटी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ सर हमारे बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम से बचना। वेस्ट ऑफ टाइम, इसका फायदा क्या है? टाइम से हमें बचत मिलता है। किस तरह का टाइम से? अगर हम स्पोक टेस्ट पहले चला के देख लेते हैं तो हमारा क्यूए टीम का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं रहेगा, यानी कि हमने बहुत सारे टेस्टिंग परफॉर्म कर दिए पर हमारा मेजर फंक्शनैलिटी पकड़ा गया और वो सक्सेसफुली ना रहा। सपोज डैट हमने कई सारे टेस्टिंग परफॉर्म कर दिए, सपोज डैट हमने छोटे छोटे कॉम्बो बॉक्स चेक कर लिए, टेक्स्ट फील्ड चेक कर लिए, ठीक है, हमने पैनल चेक कर लिया, लेवल चेक कर लिया, बहुत कुछ चेक कर लिया, पर हमारा इस एप्लीकेशन सक्सेसफुल रहा ही नहीं, तो पूरा टाइम वेस्ट चला जाएगा क्यूए टीम का, और जो बिलिंग चल रही है उनका जो पैसा है वो भी चला जाएगा। तो ये सब बिजनेस का पार्ट है, ऐसे अरेंज करते हैं कि पहले अर्ली स्टेज में ही वो मेजर डिफेक्ट पकड़ लिया जाए जिससे हमें फ़ायदा मिले, तो पैसा वेस्ट होने से बचाता है। स्मोक टेस्ट का ये बेनिफिट है, आप ज़रूर बताना इसको पॉइंट में। सेव रिसोर्स, जैसा कि मैंने बताया था, क्यूए टीम जो होती है, जो रिसोर्स हम लेते हैं टेस्टिंग के लिए, फंक्शनल टेस्टिंग के लिए, उसका सेव हो जाना, वो टीम कहीं और काम करेगी जब तक स्मोक टेस्ट पास ना हो जाए, उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी किसी और टेस्टिंग के साथ। अगर रिसोर्स हमारा ख़राब चला गया तो भी उसका बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, सेव मनी, जैसा मैंने पहले बताया था, टाइम बचाओ या पैसा बचाओ, बात एक ही है। ठीक है, तो ये सब सारे पॉइंट्स हैं जो स्मोक टेस्ट चलाने के बेनिफिट्स हैं। लास्ट हमारा जो पॉइंट्स है, डिटेक्ट अर्ली मेजर इशू, यानी जो सॉफ्टवेयर के बिल्ड के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट तो वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेजर डिफेक्ट है उसको पहले स्टेज में ही पकड़ लिया जाए, उसको पहले स्टेज में ही सही कर दिया जाए। जैसे कि एप्लीकेशन का लॉन्च ना होना एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है, और अगर ये सक्सेसफुल नहीं एप्लीकेशन लॉन्च हुआ तो ये बहुत बड़ा एक बिजनेस का पार्ट है जो निगेटिव पॉइंट पे ले जा सकता है। तो स्मोक टेस्ट चला के हम टेस्ट करेंगे तो पहले ही इस इशू को पहले ही हम पकड़ लेंगे जो मेजर इशू है, ताकि और भी हमारा टीम का टाइम वेस्ट ना हो, पैसा वेस्ट ना हो, रिसोर्स वेस्ट ना हो, जो भी हो। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स हैं स्मोक टेस्टिंग के जो हम इसलिए चलाते हैं। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो इजी टर्म है, लेकिन ये वाला बिजनेस टर्म है, आप इसको याद ज़रूर रखना। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि स्मोक टेस्ट हम कब चलाते हैं। ठीक है, स्मोक टेस्ट हम कब करते हैं ये बहुत ज़रूरी है जानना। ये तो हमारा बेनिफिट था जो दूसरा पॉइंट मैंने देखा, अब तीसरे पॉइंट पर आएंगे। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, व्हेन वी पीपल परफॉर्म ए स्मोक टेस्ट। ठीक है, समझ जाना, व्हेन वी परफॉर्म ए स्मोक टेस्ट, स्मोक टेस्ट हम कब परफॉर्म करते हैं। हमने तो जान गया बेनिफिट क्या था, क्या होता है, अब हम देखेंगे स्मोक टेस्ट परफॉर्म कब करते हैं। पहला जो पॉइंट है, जब भी हमारा सॉफ्टवेयर बिल्ड डेवलपमेंट टीम से डिप्लॉय होता है तो वहां स्मोक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। किस लिए? रेडी फॉर क्यूए। क्या हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम है, उनके लिए तैयार है? यानी कि वो क्वालिटी एश्योरेंस टीम उस सॉफ्टवेयर को रिसीव करके और भी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, तो वहाँ स्मोक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है यही चेक करने के लिए। ठीक है,
दूसरा हमारा जो पॉइंट है न्यू बिग बिल्ड एडेड, अगर किसी एप्लीकेशन में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, ये हमारा एक एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में मैंने एक नए बटन को ऐड करा है, उसका नाम है रजिस्ट्रेशन बटन। पहले से यहाँ था लॉगिन बटन, तो अब ये रजिस्ट्रेशन बटन हमारा सक्सेसफुल काम कर रहा है कि नहीं, यानी कि रजिस्ट्रेशन बटन क्लिक करने पे एक जो नया विंडो खुल रहा है वो विंडो सही से खुल रहा है कि नहीं, कहीं वो क्रैश तो नहीं हो रहा, कहीं वो फट तो नहीं रहा है, या कहीं वो कोई इशू क्रिएट नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में भी हम यहाँ पर स्मोक टेस्ट चलाएंगे चेक करने के लिए कि इस रजिस्ट्रेशन बटन पे जो नया विंडो ओपन होगा उस पर हम और भी टेस्टिंग कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, अगर हम किसी बिल्ड में चेंज करेंगे, ठीक है, जब किसी बिल्ड में यानी किसी एप्लीकेशन में चेंज करेंगे और वो मेजर हो, जैसे कि मैंने रजिस्ट्रेशन बटन ऐड करा और ये सक्सेसफुल नहीं चला, तो ये जाएगा डेवलपमेंट टीम के पास। अब डेवलपमेंट टीम इसमें चेंजेस करेगी और फिर से वो हमारे क्यूए टीम को भेजेगी दोबारा स्मोक टेस्ट चलाने के लिए सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। तो चेंज इन बिल्ड, बिल्ड में कोई चेंज हुआ तो वहाँ भी स्मोक टेस्ट परफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो तीन पॉइंट था बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी डेवलपमेंट टीम से कोई चीज़ आता है, कोई भी बिल्ड आता है, कोई भी सॉफ्टवेयर आता है, तो हम चेक करते हैं रेडी फॉर क्यूए है कि नहीं, या कोई नया बिल्ड ऐड हुआ है तो उसमें चेंज इन बिल्ड, ठीक है, तो उसमें देखेंगे। और चौथा क्या है हमारा, अपडेट, अपडेट इन अपडेट इन क्रिटिकल बिल्ड, कोई बिल्ड में अगर दोबारा चेंज करते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी हम स्मोक टेस्ट चला के चेक करेंगे कि हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया इस मामले में कि हम स्मोक टेस्ट कब परफॉर्म करेंगे, और एग्जांपल मैंने एक लॉगिन पेज का दिया। अब हम जानेंगे कि स्मोक टेस्टिंग या स्मोक टेस्ट परफॉर्म कौन करते हैं, कौन सी टीम होती है जो इसको परफॉर्म करती है। ठीक है, चौथा हमारा जो पॉइंट है, हु विल परफॉर्म पी पर परफॉर्म स्मोक टेस्ट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि क्यूए टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, तो स्मोक टेस्ट परफॉर्म कौन करता है, मैंने कौन कौन कर सकता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग अप्रोच होता है। सबसे पहला है QA इंजीनियर, ये भी स्मोक टेस्ट परफॉर्म कर सकता है अंडर कंडीशन। QA लीड भी कर सकता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट POC भी कर सकता है, ATL या TL भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्मोक टेस्ट ये टीम कर सकती है, सीनियर्स भी होते हैं और इसमें क्यूए टीम के कोई पार्ट्स भी हो सकते हैं, कोई भी एक बंदा क्यूए टीम का वो भी स्मोक टेस्ट परफॉर्म कर सकता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, पर ये टीम उसमें इन्वॉल्व होती है जो स्मोक टेस्ट चलाती है। जब यहाँ से उनको चलाने के बाद यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ ये सॉफ्टवेयर पे और भी टेस्टिंग परफॉर्म किए जा सकते हैं, तब ये पास किया जाता है क्यूए टीम को, क्वालिटी एश्योरेंस टीम को, जिसपे और भी फर्दर टेस्टिंग परफॉर्म होती है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। पांचवा जो हमारा पॉइंट है, स्मोक टेस्ट हम क्यों करते हैं,
वाई, हम स्मोक टेस्ट क्यों करते हैं, ये हमारा पॉइंट है। अभी हमने बहुत सारे चीज देखे स्मोक टेस्टिंग के बारे में, अब हम जानेंगे कि स्मोक टेस्ट क्यों करते हैं। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन के बाद आपको पता तो चल ही गया होगा कि स्मोक टेस्ट का जो सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंसी है, इम्पोर्टेंस है, क्यों है, क्या है। तो वैसे मैं बता दे रहा हूँ, पहला जो पॉइंट है स्मोक टेस्ट करने का, चेक द करेक्टनेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम का करेक्टनेस चेक करना इन अ इनिशियल स्टेज। हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो स्मोक टेस्ट में, इसीलिए हम परफॉर्म करते हैं कि हमारे जो सिस्टम के अंदर जो भी करेक्टनेस है, ठीक है, वो पहले स्टेज में ही दिख जाए, क्या क्या उसके अंदर सही है, क्या क्या गलत है, जो भी हो, ठीक है। पहले स्टेज में देखने से फ़ायदा यही होता है कि हम उस पर और भी फर्दर टेस्टिंग कर सकते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट ले चल रहा हूँ, हालांकि मैंने ये बता चुका है पहले ही, ठीक है। तो चेक द करेक्टनेस ऑफ द सिस्टम इन अ इनिशियल स्टेज, इससे फ़ायदा यही होता है कि पहले स्टेज में ही सिस्टम के वो मेजर करेक्टनेस कैच हो पाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, कैच द मेजर डिफेक्ट, जो भी बड़े बड़े इश्यूज हैं, जो भी बड़े बड़े एरर हैं, डिफेक्ट हैं, ठीक है, वो पहले स्टेज में ही पकड़े जाएं, यानी पहले ही तुरंत पकड़ा जाए उसको, बाद में यानी मेजर और क्रिटिकल इशू कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पहले फिक्स करती है, पहले उसको रिजॉल्व करती है, उसके बाद छोटे छोटे कॉस्मेटिक डिफेक्ट पे काम करती है। तो पहले बड़े बड़े इशू को रिजॉल्व करने से भी फायदा होता है, उसका भी बिजनेस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और क्या पॉइंट हो सकता है, सिस्टम हमारा कितना स्टेबल है, मैंने बता भी दिया था, पर ये पॉइंट्स बता रहा हूँ क्यों करते हैं, सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कि हमारा सिस्टम कितना स्टेबल है। सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है तो ऐसा तो नहीं है ना कि आधा लॉन्च हुआ है आधा बेकार गया। हमारा जो लॉगिन बटन है सक्सेसफुल लॉन्च हुआ, ऐसा तो नहीं है कि उसमें बटन में कट हो गया या बटन ट्रंकेट कर गया बटन, या उसमें टिल्ड हो गया, या बटन लॉन्च हुआ है और उस पर लॉगिन बटन लिखा ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं, है ना। तो ये सब स्मोक टेस्ट में पकड़े जाते हैं, इतने जितने भी चोर हैं सब एक स्मोक टेस्टिंग में ही पकड़े जाते हैं। अब हम बात करेंगे हाउ टू डू स्मोक टेस्टिंग, ठीक है। स्मोक टेस्टिंग जो है हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो अलग अलग कैटेगरी है स्मोक टेस्ट परफॉर्म करने का। पहला जो हमारा है बाई मैनुअली, दूसरा जो हमारा है बाई ऑटोमेशन, ठीक है। हाँ जी, स्मोक टेस्ट हम मैनुअली भी करते हैं और ऑटोमेशन से भी करते हैं, दोनों बातें अपनी जगह पर सही है, पर अलग अलग कंपनी अपना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है अलग अलग अपना अप्रोच फॉलो करती है। डिपेंड करता है डेवलपमेंट टीम स्मोक टेस्ट कैसे करना चाहती है, बाय मैनुअली करना चाहती है या बाय ऑटोमेशन करना चाहती है। पैसा अगर ज़्यादा है तो एप्लीकेशन हायर होगा, ऑटोमेशन एप्लीकेशन हायर होगा, ऑटोमेशन एप्लीकेशन टेस्टिंग टूल हायर होंगे या खरीदे जाएंगे, या अगर वो फ्री है, लाइसेंस फ्री है तो डाउनलोड किए जाएंगे, फिर उसके लिए ऑटोमेशन टीम होगी, तो ये सब पैसे खर्च होंगे एक अलग से इस तरह के टीम को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। तो बस डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट टीम या क्लाइंट अपना काम कैसे कराना चाहती है, ठीक है। तो बाय मैनुअली भी होता है, बाय ऑटोमेशन भी होता है। बात करेंगे बाय मैनुअली कैसे होता है,
क्या इसके टेस्ट केस लिखे जाते हैं? बिल्कुल, इसके भी टेस्ट केस लिखे जाते हैं, वो भी स्क्रिप्टेड होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं। इस टेस्ट केस को वेरीफाई भी किया जाता है सीनियर द्वारा, उसके बाद इसको रन भी किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे फंक्शनल टेस्टिंग होती है, वैसे स्मोक टेस्टिंग भी स्टेप बाय स्टेप रन होते हैं, और उसके बाद इसमें भी पास और फेल होते हैं। जब स्मोक टेस्ट फेल होता है तो क्या होता है, मैं बताऊंगा आखिर वीडियो में। फिलहाल इसको पहले कवर कर लो, नहीं तो ये छूट जाएगा पॉइंट। तो भाई मैनुअली हो गया, अब भाई ऑटोमेशन कैसे होता है? तो इसके लिए भाई ऑटोमेशन कैसे होता है, तो सिलीनियम से ये टूल है, इससे भी स्मोक टेस्ट चलाए जाते हैं। और कौन सा एप्लीकेशन है, टूल है फैंटम जेएस, और भी एप्लीकेशन है जिससे स्मोक टेस्ट रन किए जाते हैं। तो फिलहाल सिलीनियम और फैंटम जेएस ये दो ऐसे ऑटोमेशन टूल्स हैं जिससे स्मोक टेस्ट रन किया जाता है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन स्मोक टेस्ट मैनुअली हैंडल करती है। ठीक है, अब देखेंगे कि स्मोक टेस्ट के फायदे क्या क्या हैं, एडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। स्मोक टेस्ट का एडवांटेज क्या क्या है? सबसे पहला जो पॉइंट है, इजी टू परफॉर्म, ये काफी आसान है परफॉर्म करना, स्मोक टेस्ट काफी आसान है। ठीक है, और क्या क्या फायदा है? डिफेक्ट फाइंड यानी डिफेक्ट आइडेंटिफाई इन अर्ली स्टेज, ये इसके फायदे हैं कि पहले स्टेज में ही बड़े बड़े डिफेक्ट पकड़े जाते हैं। ठीक है, और क्या है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी को अर्ली स्टेज में इंप्रूव किया जा सकता है और बढ़िया बनाया जाता है। और क्या है फायदे, रिड्यूस द रिस्क, जो भी रिस्क है, कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम, रिसोर्सेस, इस सब से सारे रिस्क से बचा जा सकता है। ठीक है ना, और क्या फायदे हैं, रन क्विकली, या फायदे बताना अगर कोई पूछेगा तो स्मोक टेस्ट के ये एडवांटेज हैं। ठीक है, तो ये सब सारे इससे बेनिफिट्स हैं। ठीक है ना, रिस्क बचाया जा सकता है, और क्या क्या है, रिस्क रिड्यूस द रिस्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और सेव टाइम, मनी, रिसोर्सेस। ठीक है, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, पर ये जो है काफ़ी मेन जो इसका एडवांटेज है मैंने कवर कर दिया है कि ये सारे इसके एडवांटेज हो सकते हैं। इजी टू परफॉर्म, काफ़ी आसान है परफॉर्म करना, डिफेक्ट आइडेंटिफाई इन अर्ली स्टेज, पहले स्टेज में ही डिफेक्ट को कैच किया जा सकता है, क्वालिटी इंप्रूव करना, रिस्क रिड्यूस करना, इजली रन, काफ़ी आसान है इसको रन करना, एक दो मिनट में ये पास हो जाता है, इसमें ज़्यादा कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, टाइम, एफर्ट, मनी सब कुछ का बचत है स्मोक टेस्ट चलाने में। पहले स्टेज में अगर हम डिफेक्ट पकड़ लेंगे तो हमारा ही इसमें सेव होगा। अब बताएंगे अगर स्मोक टेस्ट फेल होता है तो क्या होता है, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा एक बिल्ड है, सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन है, और ये आया कहाँ से है, डेवलपमेंट टीम से।
डेवलपमेंट टीम जैसे इस एप्लीकेशन को क्यूए टीम को हैंड ओवर करती है, ठीक है, तो वो उस पर स्मोक टेस्ट चलाती है। अगर स्मोक टेस्ट पास होता है तो फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म होता है, और अगर फेल होता है तो वापस ये डेवलपमेंट टीम को जाता है, किस लिए, फॉर री टेस्टिंग के लिए, अगर ये फेल हुआ तो। तो अगर स्मोक टेस्ट हमारा फेल होता है तो इसके लिए कोई डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल तो नहीं है, या कोई कोई कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, बहुत कम ही चांस है, लेकिन ज़्यादातर इसको मेल पे अपडेट किया जाता है। इसकी जो मेल चलती है स्मोक टेस्ट की, उसमें अपडेट होता है, उसमें रिप्लाई होता है कि ये हमारा जो बिल्ट है, बिल्ट वन, ये स्मोक टेस्ट फेल कर गया है, तो वो मेल डेवलपमेंट टीम को रिसीव होता है। फिर डेवलपमेंट टीम जब ये मेल रिसीव करती है, उसके बाद उस पर रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करने के बाद फिर ये आता है बिल्ड क्यूए टीम के पास, उसके बाद फिर उस पर स्मोक टेस्ट परफॉर्म होती है। जब तक स्मोक टेस्ट पास नहीं होगा तब तक कोई भी टेस्टिंग परफॉर्म क्यूए टीम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? बिकॉज ऑफ पीछे जो भी मैंने बात बताया आपको, वो सारे रीजंस हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ कवर किया सिर्फ एक स्मोक टेस्ट के बारे में, जो कि इन्फॉर्मेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी है, और आधे घंटे का ये वीडियो बन गया सिर्फ स्मोक टेस्ट पे। पर अगर आप किसी से स्मोक टेस्ट के बारे में सुनोगे तो सिर्फ एक मिनट में आपको बता देगा कि स्मोक टेस्ट क्या होता है। पर मैंने आपको वो बातें बताई जो आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है ए टू जेड प्रोसेस के लिए, कि स्मोक टेस्ट कहाँ पर होता है, कौन करता है, और मैंने काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल के साथ इस आपको बता दिया कि ये कौन, कैसे, कहाँ पर और क्यों करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने जो कवर करा इस वीडियो का, जो साइनोसिस है, एंड है, कि मैंने जाना कि कैसे डेवलपमेंट टीम किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के बाद क्यूए टीम को डिप्लॉय करती है कोड, फिर क्यूए टीम उस पर स्मोक टेस्ट करते हैं। स्मोक टेस्ट क्यों करते हैं? ताकि उसकी स्टेबिलिटी को चेक करें, उसकी मेजर फंक्शनैलिटी को चेक करें, और ये कंफर्म हो जाए कि उस पर और भी टेस्टिंग परफॉर्म करने जा सकते हैं। अगर स्मोक टेस्ट फेल होगा तो हम क्यूए टीम उस पर कोई भी अपना टाइम, एफर्ट और कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करेंगे। स्मोक टेस्ट फेल होगा तो हम वापस उस एप्लीकेशन को डेवलपमेंट टीम के हैंड ओवर कर देंगे कि वो और भी उसको रीटेस्ट करके अच्छे से बिल्ड बना के हमें दे, तब जाके उस पर फर्दर टेस्टिंग किया जा सके, ठीक है। कौन करता है इसमें? सीनियर्स हो सकते हैं, क्यूए टीम का पार्ट भी हो सकता है। क्यों करते हैं? अर्ली स्टेज में बहुत सारे मेजर इशू को कैच किया जाए, ताकि कोई भी हमारा टाइम, एफर्ट, पैसा, मनी हमारा वेस्ट ना जाए, ठीक है। तो ये सब सारा हमारा एक छोटा सा पॉइंट है स्मोक टेस्टिंग के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूशन इस वीडियो में है तो आप कमेंट ज़रूर करना, मुझे नहीं लगता है कि कुछ बचा है इसमें बताने के लिए। अगर आपको कोई भी टेस्टिंग के बारे में जानना हो कि वो टेस्टिंग कब परफॉर्म होता है, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि वो टेस्टिंग कहाँ पर, टाइमलाइन कैसे है, कौन परफॉर्म करता है, किस टेस्टिंग के बाद होता है, और भी सारी इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप मुझे कमेंट पे ज़रूर करना अगर आपको कोई इशू हो तो। और अगर आप टेलीकॉम डोमेन के बारे में जानना चाहते हो तो मेरा एक वीडियोस नीचे पड़ा हुआ है, आप जाके वो देखना। BSS के बारे में जानना है तो वो भी देखना, OSS के बारे में जानना है तो वो भी देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। फंक्शनल टेस्टिंग के बाद परफॉर्म होता है UAT, और UAT टेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको UAT टेस्टिंग के बारे में जानना है तो मेरा भी इसके इस वीडियो के जस्ट पहले वाला वीडियो में UAT टेस्टिंग के बारे में मैंने विस्तार से जानकारियाँ दी हैं। तो ओवरऑल आप वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया है, मैंने सब कुछ कवर कर दिया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो मेरे फ्रेंड्स तो उसको लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें मैं अपलोड करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए अलविदा चाहूँगा। जय हिंद।